बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दानिश परदेसी यूट्यूब चैनल। दानिश परदेसी के तमाम मौजूद सामीन, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग वर्डप्रेस में robot.txt फाइल को ऐड कर सकते हैं और इसके साथ ही आप लोग यूस्ट SEO प्लगइन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद प्लगइन पर आप आ जाएं, प्लगइन्स ऐड न्यू पर आ जाएं। इसके बाद यहां पर ये देख सकते हैं इंस्टॉल प्लगइन के नीचे लिखा आएगा आपके पास ऐड न्यू प्लगइन्स में। यहां पर अब आपने आ जाना है ये सर्च बॉक्स पर, आप आ जाएं। यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा सर्च प्लगइन्स, आपने यहां पर लिखना है YOASTSEO। आपने यहां पर यूस्ट लिखना है YOASTSEO और सर्च कर देना है। ये आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर लोडिंग हो रही है, ये थोड़ी सी देर लोडिंग होगी और प्लगइन आपके सामने। आपने बाकी कोई भी प्लगइन नहीं करना, आपने ये लाजमी देख लेना है कि ये वाला प्लगइन ही आपके पास आ रहा है। ये आप देख सकते हैं वाई का निशान इसके लोगो के ऊपर बना हुआ और तीन डॉट हैं। आपने यहाँ पर क्लिक करके से इंस्टॉल नो पे क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है। ये देखें अभी इंस्टॉलिंग हो रही है, मैं आपको यहाँ पर ही सब कुछ करके बताने वाला हूँ, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। इसके बाद आपने जी एक्टिवेट से ज़रूर कर देना है ताकि पता चल सके कि आपका जो आपकी जो वेबसाइट है ये इंडेक्स हो रही है या नहीं हो रही। आपके ब्राउज़र की जो विजिबिलिटी होती है, सर्च इंजन विजिबिलिटी, वो ऑन है या ऑफ है। यहाँ पे अभी जैसे ही आप लोग एक्टिवेट करेंगे आपके पास यहाँ पर एक एरर आ जाएगा, अगर ऑफ हुई तो आपने फिर ऑन करना है। डायरेक्ट अगर आपके पास इस तरह का एरर आ जाए तो आपने गो टू योर रीडिंग सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप प्लगइन्स के नीचे एक एरर आ रहा है, यू आर ब्लॉकिंग एक्सेस टू ब्राउजर, इस तरह का आपके पास एरर आएगा। आपने डायरेक्ट बाकी कहीं भी नहीं करना क्लिक, सबसे लास्ट में आप लोगों ने आ जाना और यहाँ पे आपने सर्च इंजन विजिबिलिटीज पे आ जाना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर आएंगे यहाँ पे चेक लगा होगा इस तरह का, आपने इसे अनचेक कर देना है। इसके बाद आपने सिंपल सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है, मैं आपको करके बता रहा हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं सेटिंग सेव हो गई है मेरे पास, ये सेटिंग सेव हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। आप दोबारा डैशबोर्ड पर आ जाएं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के, यहाँ पर आप लोग SEO में आ जाएं, फिर दोबारा यहाँ पे ये देख सकते हैं। इसके बाद जी आपने यहाँ पर आना है, ये जो टूल्स लिखा आपके पास नज़र आ रहा है यूस्ट SEO के चौथे नंबर पर ये आपको नज़र आएगा टूल्स। आपने कहीं भी नहीं जाना, आपने डायरेक्ट यहाँ पर आ जाना है टूल्स पर। ये मेरे पास लोडिंग हो रही है, ये देख सकते हैं आप फर्स्ट टाइम SEO कॉन्फ़िगरेशन, आपने यहाँ पर आ जाना है। थोड़ा सा मजीद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फाइल एडिटर, बल्क एडिटर। आपने फाइल एडिटर के ऊपर क्लिक कर देना है, ये जो लास्ट में सेंटर में जो ऑप्शन दिया गया फाइल एडिटर, आपने सिंपली फाइल एडिटर पर क्लिक करना है बस, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना। एक और पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोगों ने नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने देखना है कि कहीं भी आपको लिखा नज़र आ रहा है इस तरह का क्रिएट robots.txt फाइल,
अगर आपकी फाइल बनी होगी तो फिर इस तरह का लिखा नहीं आएगा। अगर आपकी फाइल नहीं बनी होगी तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहाँ से क्रिएट कर लें। तो आपने करना क्या है, आपने बस इस बटन को दबा देना है, आपकी फाइल बन जाएगी robot.txt की। इससे सिंपल सेटिंग हो ही नहीं सकती वर्डप्रेस के लिए कि आप लोग इसमें robot.txt फाइल बनाए। यह सबसे आसान तरीका था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके नीचे वीडियो के पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिल सकें। आपने यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर लाजमी क्लिक कर देना है। बाकी आपने किसी भी यहाँ पर जितनी भी फाइल हैं छेड़ना बाकी किसी फाइल के साथ नहीं है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।